दोस्तों आज ज्यादातर लोगों के मन में यही विचार चलता है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों इसी के बारे में आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी का जन्म कैसे, कहाँ और किस स्थान पर हुई थी। यदि मानी जाए तो परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है, वह संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान जी को शिव अवतार अथवा रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठता देव भी है और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान, हनुमान का पूरी शब्द क्या है? हा यानी ब्रह्मा का, नू अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न परक्रमण का घोतक है। दोस्त हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नाटक, बलवान और बुद्धिमान भी थे। ये तो आप सभी जानते हैं। शास्त्रीय संगीत के तीन आचार्यों में से एक हनुमान जी भी थे। अन्य दो थे शार्दूल और कहाल। संगीत परिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं कि सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चय नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश के आदिवासी का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटक वासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अभी हम्पी देखे जा सकते हैं। अपनी रामकथा में फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। अब हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में भी भिन्न मत है। एक मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के मध्य में प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेश्वरी यज्ञ के प्राप्ति को हवि अपने रानियों में बांटी थी। उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कलांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दे दिया। तुलसी और वाल्मीकि द्वारा वर्णित हनुमान चरित्र की तुलना में कई अन्य रामकथा में वर्णित चरित्र इतना भिन्न है कि सर्वप्रथम मिथ्या और काल्पनिक प्रतीत होता है। तांत्रिकगण हनुमान की पूजा एक सिर, पंच सिर और एकादशी, संकट मोचन, सर्वहितरथ और रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमरों में होती है। अन्य 7 है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडेय। तो दोस्तों आपको विचार से क्या लगता है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुई होगी और हनुमान जी का जन्म किसने दिया होगा, आप हमें ये भी कमेंट में बताएं और किस स्थान पर हुई है ये भी बताएं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर करें। चलिए मिलते हैं आप लोग को हम अगले वीडियो में और इसी तरह का मैं भगवान और भक्ति से रिलेटेड वीडियो लाते रहूंगा। तो अगला वीडियो आप लोगों को क्या चाहिए और कौन सा वीडियो लाएंगे ताकि और ज़्यादा उपयोगी होगी आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।